जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज है मंडे और टाइम हो गया है 3:30। तो अभी ड्यूटी से लौटे हैं और अब हाथ भी भरे हुए हैं, क्योंकि अभी मैं बनाने जा रहा हूँ आलू के पराठे। काफ़ी काफ़ी भूख लगी हुई है। और सुबह भी जबकि लंच करके गया था, सॉरी ब्रेकफास्ट करके गया था, उसके बाद कुछ इतनी भूख नहीं थी, लेकिन 2 बजते बजते भूख लग जाती है। तो अब समय आ गया है खाना बनाने का, लंच बनाने का। लंच में वही आलू के पराठे और चाय बनाएंगे। तो मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी प्रिपरेशन है। आलू और थोड़ी सी फूल गोभी, प्याज और बाकी मसाला और नमक डाल करके मैंने जो इसका मसाला है तैयार कर दिया है। तो ये फिलिंग है और बाकी आटे में भर के बनाते हैं। तो ये आटे की 4 पेड़े बना लिए हैं मैंने, और लगभग थोड़े रोटी से थोड़े से बड़े बनाएंगे और उसमें के अंदर हम इनको भरेंगे। अभी इसको ऐसे 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 करके थोड़ा सा चपटा कर लेंगे ताकि इसके अंदर मसाला भरा जाए। तो ये बना लिया, चपटा कर लिया, तो ये बन गई इसकी पोटली। इसको ये देखिए, इसके अंदर आलू पूरा पैक हो गया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, पहले फिलिंग भर के इनको रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर इतना जल्दी मेरे से बनते नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है। तो ये हो गया सेकंड, ये हो गया कवर।유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이만큼 너와의 여행을 생각했었는데. इसी तरह से बाकी और भी तैयार करते हैं। तो फाइनली ये अपने आलू का पराठा तैयार हो गया और उधर चाय उबल रही है। सो दिस वुड बी माय लंच कह लीजिए इसको। 4 बजने वाले हैं चूँकि अभी टाइम हो ही गया है। और बाकी इधर तैयार है, और ये अपनी लहसुन, कच्ची लहसुन तड़के के लिए भी और कभी कभी अपना सुबह सुबह खा भी लिया। सो चलिए अब इसका एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो आलू का पराठा एंड टोमेटो सॉस और चाय तैयार हो गई। वेलकम बैक दोस्तों, अभी जस्ट मार्केट से वापस आया हूँ, क्योंकि सब्जियाँ खत्म हो गई थी। तो आजकल चूंकि मार्केट में हरी सब्जियों की बहार है, तो इसी कड़ी में हम भी आज हरी सब्जी लेके आए हैं, देखिए क्या क्या है। हाँ, तो ये धो रहा हूँ मैं पालक, वह है मेथी, धनिया और यहाँ पे है टमाटर, इधर है हरी मटर। तो अभी इनको धो धा करके साफ कर लेता हूँ, फिर फ्रिज में रख देंगे एंड देन बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। और आज बनाएंगे आलू पालक की हरी सब्जी। पहले धो लेता हूँ, धोना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मिट्टी रहती है ना इसमें। ठीक है, चलिए आइए। तो दोस्तों समय हो गया शाम के 7 और बैचलरहुड के मज़े ले रहे हैं। पालक काटा जा रहा है क्योंकि रात का डिनर तैयार करना है, आलू पालक की सब्जी। पीछे गणेश जी हैं, वो पेंटिंग वहाँ लगी हुई थी ऊपर, पता नहीं रात में कैसे हुआ, छिपकली आपस में लड़ रही थी, गिरा दी उन्होंने और टूट गई वो। तो गणेश जी इसीलिए अब थोड़ा नीचे रखे हुए। तो ये पालक काट लेते हैं, काट लिया है। पालक के साथ दिक्कत है, जब काटते हैं तो ऐसा कढ़ाई ऐसे भरती है जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा सब्जी बनेगी, और जब बनाओ तो उसकी आधे से आधी रह जाती है। अब बर्तन चाहिए इसके लिए, बड़ा बड़ी टेंशन है। अब काट रहा हूँ, देखो फिर बनाएंगे। तो फिलहाल पालक काटने में समय टाइम पास हो रहा है, और इधर हमारा धनिया सूख रहा है। ये धनिया अगर गीला ही रख दोगे फ्रिज में तो फिर वो क्या होता है, गलने लगता है। ये जितनी पत्तेदार सब्जी है ना, अगर इनमें पानी रह गया तो गलना शुरू कर देती है। तो इनको सूखा करके फ्रिज में रखें या जहाँ भी आप रखते हैं। और अंदर दूध गर्म हो रहा है, यहाँ मैं पालक काट रहा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए काम नहीं हो पाएगा। तो पहले काम कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फाइनली आधा घंटा लग गया पालक काटने में, साफ करने में। उसके बाद अब इसकी सब्जी ये कढ़ाई में हमने डाल दी। तो अब ये पकती रहेगी धीरे धीरे करके, धीमी आँच में पकाएंगे और
पीछे बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए, वो सब मेरा ऐसे ही रहता है। तो ये हो गया है, आटा लगाएंगे, तब तक सब्जी रेडी हो जाएगी। और 7:15 हो गया यार, लगभग आधा घंटे से ऊपर लग गया। तो देख लीजिए एक बार फिर से, आलू पालक की सब्जी, बैचलर्स किचन। एक लग रहा मुझे फूड चैनल भी शुरू करना पड़ेगा बैचलर्स का। खाना वाना ठीक ही बना लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में ना, बैटरी भी नहीं रहेगी फोन की। तो दोस्तों ये रेडी हो गई है हमारी आलू और पालक की सब्जी। बहुत ज़्यादा मैं पकाता नहीं क्योंकि सारी न्यूट्रिएंट्स उड़ जाते हैं, तो लगभग 80-90% पक चुकी है और बिल्कुल गर्म है, धुआं निकल रहा है आप देख रहे होंगे। और ये हमारा आलू का पराठा जो कि लंच में बनाया था, एक बचा हुआ था तो उसके बाद खाते हैं। और अभी एक इतनी भूख है, बाकी देखते हैं फिर, तो अभी ट्राई कर। तो भाई लोग डिनर हो गया और उसके बाद कुछ काम करने में बिजी हो गया था, तो काम करते करते लेट हो गया, टाइम हो गया रात के 10:30, और अब समय सोने का। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल सुबह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और आज एक नया दिन की शुरुआत करते हैं। टाइम हो गया है 7:15, उठ गया फ्रेश व्रेश होकर के, ब्रश करने के बाद और बाहर आ गया सूर्य देव। ओ ये देखिए ठीक सामने सूर्य, ये यहाँ पे इस रूम की खासियत है। बिल्कुल सुबह सुबह उठिए, 6 बजे 7 बजे सीधा मुंह पे सूरज लगता है। ब्रश कर लेते हैं, तो चलिए अब ब्रश कर लेते हैं। टाइम हो गया है 7:30, और अब है थोड़ा नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद नहाने जाऊंगा। तो आज नाश्ते में बन रही है, आप लोगों को बताता हूँ, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मंडुआ, अनाज में, तो मंडुए की रोटी। तो मंडुए का आटा परसों लेके आया था और उसकी रोटी बनाएंगे। और ये जो मंडुआ होता है ये होता है ग्लूटिन फ्री। जो रोटी हैं जो फूलती हैं वो फूलती हैं बिकॉज ऑफ ग्लूटिन, जो गेहूं के आटे में ग्लूटिन का अमाउंट होती है, लेकिन मंडुए में वो ग्लूटिन नहीं होता। तो मंडुए की रोटी फूलती नहीं है, जैसे चावल की रोटी है वो फूलती नहीं है, तो उनमें क्या होता है ग्लूटिन नहीं होता। तो अब मंडुए की और गेहूं का आटा मिक्स करके, क्योंकि मंडुआ जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है खाने में, तो मंडुआ और गेहूं का आटा ले लिया है। ये जो ब्लैक कलर का है दैट इज मंडुआ, ये मंडुए का आटा है, और यह है गेहूं का आटा व्हाइट वाला। तो इनको मिक्स करके बनाएंगे, और मिक्स करके हरी सब्जी के साथ, पालक की सब्जी बनाई थी तो पालक की सब्जी के साथ ये आज चलेगा। तो इसको पहले आटा गूंथ लेते हैं, है ना। चल भाई लग जाओ काम पे। अब इसमें डाल देंगे पानी। सुबह सुबह का टाइम रहता है तो इसमें एक एक मिनट बहुत ही क्रूशल हो जाता है। क्रूशल कैसे होता है कि भाई काम पे भी जाना है, सुबह उठ करके सब चीज़ें करनी है, झाड़ू पोछा पूजा पाठ नाश्ता पानी सब, क्योंकि तो जो सुबह की मील है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। राइट, आपकी सुबह का जो मील है वो अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो यू विल नॉट गेट एनर्जी फॉर योर वर्क, और ये हमको पूरे दिन एनर्जी देता है। अब इसके बाद सुबह अभी कर लेंगे नाश्ता वगैरह, तो इसके बाद सीधा शाम को 3-4 बजे मौका मिलता है। जो मल्टीग्रेन आटे का कॉन्सेप्ट है वो यही है भाई, उसी गेहूं के आटे में थोड़ा चने चना का वो मिला दिया, चने का आटा मिला दिया, थोड़ा गेहूं का आटा मिला दिया, थोड़ा ये बाजरे का आटा मिला दिया। अगर आटा गूंथने का नियम ये है कि जब आटा गूंथो तो आपकी जो परात है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसमें आटा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तो ये बन गया हमारा बॉल, आटा लग गया, इसको थोड़े रेस्ट करने रखेंगे, चलते हैं नहाते हैं फटाक से, तब मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग नहा धो करके हो गए सेटअप, चलते हैं पूजा पाठ भी हो गया किचन की तरफ। तो मंडुए का और गेहूं का ठीक तवा चढ़ा दिया है, और हाँ सुबह का टाइम है, खाली पेट 2 कली लहसुन की, यह है लहसुन।
चलिए रोटी बनाते हैं, टाइम हो रहा है, बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। ये देखें कुछ इस तरह से कलर इसका हल्का सा ब्लैकिश आता है, ब्लैक कलर की थी, जैसे गेहूं की रोटी वाइट होती है ना वैसे नहीं होती है। ये दूसरी रोटी तैयार है, ये देखिए थोड़ी सी जल गई है, क्योंकि आटे का गेहूं का आटा मिला दिया इसमें ही, तो इसलिए ये फूल रही है, इसमें ग्लूटेन आ गया, अदरवाइज ये फूलती नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बन गई हमारी रोटियां और ये हरी सब्जी और उधर बन रही है हमारी चाय, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड हो गया। तो चलिए अब इसको गरम गरम घी के साथ इसको खाते हैं। सो दिस इज द ब्रेकफास्ट, मंडवे की रोटी एंड हरी सब्जी विद गरम गरम घी एंड चाय। हो रहा है देर हो रही है, जल्दी जल्दी करते हैं और इसको यहीं पे कट करता हूँ, मिलते हैं शाम को, हमारी चाय भी खोल रही है।